राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी होने के बाद से बीजेपी में मची खलबली पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रेम कौशल ने पत्रकार वार्ता में बीजेपी द्वारा राहुल गांधी पर की जा रही टिप्पणियां खेदपूर्ण बताया और कहा कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव करवाने का अपना सिद्धांत है और ऐसे में कांग्रेस को नसीहत देना दुर्भाग्यपूर्ण है। कौशल ने पीएम मोदी की शब्दावली और शब्दों की कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से निंदा करती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जिनमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हैं, कांग्रेस पार्टी की चुनाव प्रक्रिया और राहुल गांधी के प्रधान चुने जाने को लेकर जो टिप्पणियां की, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, खेदपूर्ण है और निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी का अपना संविधान है, कांग्रेस पार्टी की अपनी चुनाव कराने की प्रक्रिया है, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को लोकतंत्र दिया है और ऐसी पार्टी को, ऐसे संगठन को चुनाव प्रक्रिया के विषय में नसीहत देना जो है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, देश के लोग, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री से इस तरह की शब्दावली की, इस तरह की भाषा की कदापि न अपेक्षा करते हैं न उम्मीद करते हैं और उनके द्वारा कहे गए शब्द जो हैं वो निंदनीय हैं। कांग्रेस पार्टी उनकी निंदा करती है। नेताओं से पूछना चाहता हूं कि मुझे भी राजनीतिक जीवन में 30 वर्ष के लगभग समय हो गया और भारतीय जनता पार्टी की चुनावी प्रक्रिया को भी सारा देश भी देख रहा है, हम भी देख रहे हैं। मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसा एक चुनाव वो बताएं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का जिसमें आमने सामने का मुकाबला हुआ हो, वोटिंग हुई हो, मतदान हुआ हो और दोनों में से एक को चुना गया हो, वो चाहे अमित शाह हो, इससे पहले राजनाथ रहे, अडवाणी जी रहे, जितने भी इनके अध्यक्ष हुए हैं इसी प्रक्रिया के तहत उनको चुना जाता रहा है। ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है और इसके ऊपर टिप्पणी करने का किसी को अधिकार नहीं है। जहां प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी नेताओं से पूछा है कि बीजेपी नेता अपना एक ऐसा चुनाव बताएं जिसमें आमने सामने का मुकाबला हो, उन्होंने कहा कि चाहे अमित शाह हो, अडवाणी हो, सभी को बीजेपी ने भी चुपचाप तरीके से चुना है, लेकिन राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने की बात बीजेपी पार्टी को चुभ रही है और बीजेपी पार्टी बौखला चुकी है। पहला तो श्री राहुल गांधी जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का लगभग अध्यक्ष चुने जाने पर हिमाचल कांग्रेस की तरफ से, हमीरपुर कांग्रेस की तरफ से और तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक बधाई हम देना चाहते हैं और शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं इस बात के लिए कि पूरा देश आज उनकी तरफ एक उम्मीद भरी नज़र से देख रहा है और कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं आज उनके अध्यक्ष बनने से भारी उत्साह में हैं और उनके अंदर नए जोश और खून का संचार हुआ है और सबको विश्वास है कि राहुल गांधी के प्रगतिशील और गतिशील नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदुस्तान के अंदर पुनः अपने आप को स्थापित करेगी और जो फांसीवादी ताकतें हैं हिंदुस्तान के अंदर उन ताकतों को परास्त करेगी। सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री विभेदक सिंह के लिए आए हुए निर्णय पर प्रेम कौशल ने कहा कि चाहे बीजेपी कितनी भी जांच किसी भी एजेंसी से करवाएं लेकिन इनकम टैक्स रिसेसमेंट की मांग को कोर्ट ने खारिज किया है, उससे विभेदक सिंह को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कौशल ने कहा कि अदालत में होने वाले फैसलों में मुख्यमंत्री विभेदक सिंह पाक दामन बाहर निकलेंगे और इससे साबित होगा कि बीजेपी नेता ने राजनीतिक आधार पर विभेदक सिंह को प्रताड़ित करने की कोशिश की है। तो ये जो निर्णय कल माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया है, इस निर्णय से ये साबित होता है कि जितनी केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी का और मुख्यमंत्री का पहले से ही कहना है कि उनका राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को प्रताड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए और राजनीतिक तौर पर समाप्त करने के लिए केंद्र की सरकार जो है वो उनका इस्तेमाल कर रही है, कल के निर्णय से यह साबित हो गया है। इनकम टैक्स की रीअसेसमेंट का जो इनका रिक्वेस्ट थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है और मुख्यमंत्री के खिलाफ जो सीबीआई की जांच है, जो कि अब अदालती मसला है, ईडी का केस है, वो इनकम टैक्स की रिटर्न के ऊपर ही आधारित था।
तो मैं समझता हूं कि जो काम केंद्रीय जांच एजेंसियां जो जिनका की दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार कर रही है, जब तक उनके अख्तियार में था उन्होंने जो कर सकते थे मुख्यमंत्री के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ वो कर लिया। अब जब अदालतों में केस के ऊपर मेरिट के आधार के ऊपर फैसला होगा तो संभवतः इसी तरह के फैसले आने वाले समय में मान्य अलग अलग अदालतों से आएंगे और ये फिर से साबित होगा कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की जांच एजेंसियां जो हैं उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को राजनीतिक आधार पर प्रताड़ित अपमानित और टारगेट